मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। इंसान की सेहत बनाने वाले प्लेइंग ग्राउंड की खुद सेहत हुई खराब। कल्याण बाजार पेड़ सुभाष मैदान का हाल बेहाल। ग्राउंड पे खेलने और वॉक करने वालों को होती तकलीफ। समाज सेवकों का कल्याण भिवंडी मनपा से ग्राउंड की कायाकल्प करने का निवेदन। आज के इस युग में इंसान की सेहत को अच्छा बनाए रखने के लिए अलग अलग गार्डन, खेल के मैदान, व्यायाम स्थल आदि का निर्माण करवाया जाता है, ताकि इंसान इन ग्राउंड में जाकर शारीरिक परिश्रम करते हुए अपने स्वास्थ्य का जितना हो सके उतना ख्याल रख सके। सही व्यायाम एक इंसान को कई दिनों तक दवाखाने से दूर भी रखने में कारगर होता है। लेकिन कल्याण अंतर्गत सुभाष मैदान, जो कि कल्याण बाजार पेट कल्याण पश्चिम में स्थित है, इस गार्डन की हालत कितनी दयनीय है ये आप वीडियो में देख सकते हैं। इसमें कुछ लोग हैं जो प्रशासन का ध्यान आकर्षित करते हुए इस मैदान को दुरुस्त करने की मांग कर रहे हैं, जिसे कल्याण भिवंडी मनपा को देखते हुए समय रहते सुधार किया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सैफ न्यूज लाइव। मैं आपको खास कल्याण वेस्ट के सुभाष मैदान की हकीकत देना चाहता हूँ कि सुभाष मैदान के अंदर सुबह सुबह लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ की गंदगी, वहाँ का पानी का जो सीवरेज लाइन होनी चाहिए, पानी का जो जाने का वो बिल्कुल नहीं होने से लोगों को मॉर्निंग वॉक के अंदर काफ़ी तकलीफ पड़ती है। यहाँ तक कि लोग नाक बंद करके भी मॉर्निंग वॉक करते हैं। एक तो पूरे शहर की गंदगी का उभार खड़ा हुआ रहता है। इलेक्ट्रिक खंभे लगे हुए हैं लेकिन ये नहीं है, सिक्योरिटी का कोई नाम निशान नहीं है। आज सबसे पुराना में पुराना अगर जो मैदान है वो सुभाष मैदान है, और वहाँ की स्थिति देख के मेरे द्वारा रहा नहीं गया। और आज पुराने में पुराना बच्चों के खेलने का जो मैदान है, वो बच्चों को खेलने का मैदान होते हुए भी लोगों में एक खेल के प्रति जो भावना होनी चाहिए, गंदगी में क्या खेलेंगे बच्चे? जहाँ चिकट होगा वहाँ क्या खेलेंगे? आज बच्चे जो खेलते खेलते के हाथ पैर भी उनके टूट सकते हैं, फ्रैक्चर हो सकता है। आज जो लोग सुबह सुबह अपना स्वास्थ्य सुधारने के लिए उस जगह पे जाते हैं, उस जगह पे हमने जाके खुद देखा, गंदगी का उभार लगा हुआ है, पूरी गांव की गंदगी उधर पड़ी रहती है। घूमने वाले जो लोग होते मॉर्निंग वॉक, उनको भी नाक बंद करके चलना पड़ता है। और बाकी पेविलियन की हालत तो इसके पत्थर सड़े हुए हैं, इसकी क्या हालत है। तो पूरी मतलब ये जो एरिया है सुभाष मैदान है, सबसे 50 साल पुराना पुराना कल्याण का महानगर पालिका होते हुए, इतने नगर सेवक होते हुए, महापौर और कल्याण के हमारे आयुक्त साहब, जो कि आज इस बाबत में ध्यान क्यों नहीं देते हैं, उसके लिए नगर सेवकों को एक फंड निकाल कर, ये सार्वजनिक है, किसी को इसका हक नहीं है, पब्लिक के पैसे हैं, और पब्लिक के पैसे से उसको बनाना है। कृपया मेरी जिन यहाँ के स्थानीय नागरिकों से जो बात हुई वो आपको मैं एक लोगों से दर्शाना चाहता हूँ। आप उनसे बात कीजिए और उनके बात करने के बाद आपको खुद को लगेगा कि जो हकीकत क्या है, समस्या क्या है, और उसकी वजह से लोगों को कितनी तकलीफ होती है। नहीं सर, 15 साल, मेरे को 40 साल हो गए। अच्छा सर, आपने ये 15 साल में कुछ बदलाव आया इधर? बदलाव तो इतना कुछ दिखाई नहीं रहा सर। इधर ये गार्डन के बाजू में पूरा कचरा घर खोला हुआ है, तो क्या आप इधर स्वास्थ्य को बिगाड़ने के लिए आते कि स्वास्थ्य को आप अच्छा करने के लिए आते? स्वास्थ्य के लिए, अच्छे के लिए आते। तो इससे क्या होगा, ये जो कचरा पड़ा है तो तकलीफ होने वाला ना, कचरा भी। तो आप इसका ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लेते हैं? ऑब्जेक्शन अभी कोई इधर कुछ देख रहा ही नहीं, तो क्या है? देखिए नगर सेवक नहीं, पहले तो आप सेवक ही इधर के, आप है सेवक इधर, आप टैक्स भरते हैं और आप हर चीज़ का टैक्स भरते हैं, शिक्षण कर भरते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो पैसा कहाँ जा रहा है? समझ में नहीं आ रहा किधर जा रहा, क्या कर रहे, क्या नहीं, इधर ख्याल ही नहीं देते। बहुत तम लोगों ने आया। आपका शुभ नाम बोलिए सर।
आपका शुभ नाम बोलिए। रामचंद्र बाबड़े। बाबड़े जी सर, कितना 50 साल हो गया ये तो? हाँ हाँ। तो आप तो मतलब आपका जन्म भी इधर ही है? इधर ही जन्म, इधर बगड़े में हुआ। तो सर आपने तो ये कम से कम ग्राउंड बने कितना साल हो गया सर? ग्राउंड बने लाए हुए हम तो 25 वर्ष चले। ठीक है, ट्रैक बनून 25-30 वर्ष चले, पण ग्राउंड जे आहे ते 50 वर्ष झाले। पण ही 25 वर्ष नंतर पण अजूनपर्यंत कुठली सोई नाही? काही नाही, काही नाही। एक वर्ष आपण टॅक्स नाही भरलं तो दुसऱ्या वर्षी आपल्याला काय येते? नोटीस येतो, तुमचा पाणी बंद करणार, तुमचा हा करणार। पण या बाबतीत तुमचं काय सांगायचं सर? बोला तुम्ही, आपलं नाव बोला सर। अच्छा म्हणला मग आपका। शुभ नाम आपका सर? महेंद्र जैन। महेंद्र जैन, मैं भी जैन ही हूँ लेकिन मुझे थोड़ा बुरा लगा। मैं कोई इसमें ये नहीं करता हूँ, मैं सार्वजनिक चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ में सार्वजनिक काम होना चाहिए, हर आदमी का हाथ लगना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि आपका ये जो आपका ग्राउंड है, नहीं वो देखिए वो नगर सेवक है, आप तो पूरे ये जमीन के सेवक है, वो नगर सेवक है लेकिन आप जमीन के सेवक है। तो कहने का मतलब सर जी, आपका शुभ नाम सर? अरुण वाला। अच्छा सर, आप कितने साल से रहते सर? कितने साल से रहते हैं? 7 साल से। सर 7 साल से आप इधर वॉकिंग में आ रहे हैं, कुछ आपको कमियां लग रही है सर? सर मैं खुद 37 साल से इधर आता हूँ लेकिन ग्राउंड में पहली बार आया हूँ। मुझे थोड़ा अमुक चीज़ें जो लगा, मैं कमियां देख के बोल रहा हूँ कि जो स्टेडियम की हालत है और जो क्रिकेट खेलने वाले बच्चे हैं, शायद क्रिकेट खेलने वाले बच्चे की तो ऐसी हालत होगी कि शायद उनके हाथ पैर भी जा सकते हैं क्योंकि इतनी चिकट है। और सर मैंने जो देखी है इस बाबत में आपका क्या कहना है? ग्राउंड अच्छा बनने अच्छा, ग्राउंड अच्छा बनना चाहिए, उसमें डेमरेज की जो व्यवस्था है इनकी वो सीधा पानी इनका जाना चाहिए, उसमें पानी का जो भराव, इस बाबत में आपका क्या कहना है? बारिश में ये जब ये होता है ना ज्यादा बारिश, हाँ, तो सब अंदर ही ट्रैक भर जाता है। अच्छा सर, इसके लिए आपको क्या क्या फैसिलिटी करवानी है? आप मनपा से, आप मनपा से, मनपा से क्या क्या मांगेगी इसके लिए? मनपा कुछ नहीं दे पाएगा। अरे सर एक मिनट सर, एक मिनट सर, आप आपका भी आएगा, आपको बोलना है। ओके सर, ओके सर, ओके सर। आप सर जी, आपका नाम सर? बच्चे लोगों के सामने लेंगे तो अच्छा है सर। बच्चे वो भी ले लेंगे सर, आपका पहले लेते हैं हम। मैं बड़ा सर। अच्छा क्रिकेट कोच हूँ। अच्छा सर क्रिकेट कोच है सर, तो कुछ करती नहीं। आपने कोई लिखित में पत्र दिया सर उनको? सब दिए। कहीं का लिखित पत्र दे सकते हैं? 10 साल हुए डाले ने। मुझे व्हाट्सएप पे डाल सकते सर आप? जो लिखित पत्र वगैरह है वो हम व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं मेरे? देंगे ना जी सर। ठीक है, आप इस बाबत में मुझे व्हाट्सएप पे डालिए जो भी पत्र आपने दिया है, और यहाँ के नगर सेवक को जो दिया है वो आप डाल सकते हैं तो मुझे बोलिए। और बच्चों को जरा बुला लीजिए 2 मिनट आप। क्यों, खेल प्रेमी जो है ना उनका भी होना चाहिए। ग्राउंड में लो, नहीं वो थोड़ा आगे चिकट है इसके लिए। तो सर जी, इसमें नगर पालिका को, महापालिका को लेटर दिया है। हाँ हाँ, नमस्कार। बच्चे लोग ट्रैक पर और मोटरसाइकिल भी ट्रैक पर। अभी जस्ट मैंने मोटरसाइकिल एक देखा भी है, उसका भी हो गया, वो वीडियो आ गया। ये किया है ना पार्किंग, उसका वीडियो आ गया सर, उसका वीडियो आ गया। अभी जो भी रहेगा मुझे मालूम नहीं कौन था वो, उसका वीडियो आ गया। सर आज मैंने महापौर उपमहापौर से मैं बात करूंगा, मैं कोई नगर सेवक से बात नहीं करने वाला हूँ। महापौर लेटर दिया है ना उनके पास है, आपके पास है सर। आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए और आप भी मेरा नंबर सेव कीजिए, मैं आपको नंबर सेव करना माध्यमला दे तो पत्र पाठवतील त्यांना व्हाट्सअप। आज तुम्हाला संध्याकाळी नाही तो उद्या सकाळी पर्यंत यूट्यूबला येणार, तुम्ही ते यूट्यूबवर पूर्ण तुमचा जे व्हिडिओ आहे ते तुम्ही बघू शकता, अख्खा कल्याणला तुम्ही करू शकता, काय प्रॉब्लेम नाही।
एक्सरेचे एक पण इंस्ट्रुमेंट चालत नाही ना, काही नाही चालत, सगळी खराब झालेली आहे, 6-7 महिने होऊन गेलेले इकडे ग्राउंड पण खराब झाले आणि इकडे मेन म्हणजे सिक्युरिटी नाही काही, सिक्युरिटी काहीच नाही. पण मेन तुम्ही जे वस्तू आहे मला बोललेच नाही, ज्या ठिकाणी राईट साईडला त्या प्रकार लेफ्ट साईडला एवढं घाण पडलं आहे. जर तुम्ही जर त्या वॉकिंगला जातात तो घाणाचं म्हणजे काय आहे तुमचं, मग ते वास कशासाठी, ते तब्येत सुधारण्यासाठी येतं की तब्येत खराब करण्यासाठी? मग आजपासून तुम्ही वॉकिंग बंद करावं लागेल ना तुम्हाला. जर इथे तब्येत बिघडली गेली तर गव्हर्नमेंट जबाबदार पण नाही आणि पैसे पण देणार नाही. नंबर बताओ ना. हा सर, इकडे बऱ्याचशे एजन्सी येतात खेळायला, ग्राउंड वरती ग्राउंडवर काय मोटार आणतात, स्कूटर हे आणतात, सायकल. आपले चार लोक कोणतरी आले ना तर मी इकडून तर सोडा मंत्रालय पण तुम्हाला मी करून देईल. बस ठीक आहे सर. आपलं सर नाव, आपलं नाव? सुभाष मंगल. सुभाष मंगल ना सर. कितने साल से आते आप भी इधर? जन्म ही इधर. वो तो जन्म तो दिख रहा है सर आपका. लेकिन सर कुछ आप जैसे लोग अच्छा काम करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि ये हम एक शुरुआत कर रहे हैं आपसे. और मैंने कम से कम 12 ग्राउंड ठीक करवाए, ये 13वां होगा मेरा. 12 के बाद में 13वां ही होता है और 13वां हो जाएगा सर. ठीक है सर, धन्यवाद. और हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें.